तो हेलो दोस्तों, आज के और एक नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज हम जा रहे हैं रमज़ान की शॉपिंग करने। पहले दिन तो किया था लेकिन पूरा हुआ नहीं था, तो आज मैं और इश्तियाक यहाँ पे तैयार होकर दोनों जा रहे हैं। तो इश्तियाक, क्या क्या लेना है, लिस्ट बनाए हो? हाँ, बना हुआ है दिमाग में। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग लिस्ट बनाते नहीं है, वहाँ जाते हैं भूल जाते हैं क्या क्या लेना पड़ेगा, फिर जो है ना चीज़ें नहीं ले पाते हैं सब। कोई नहीं, नहीं बोलेंगे आज और क्योंकि घर पे यह कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ लेना है। हमारा ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे लगा हुआ, सब सेटअप वगैरह सब जो इश्तियाक यहाँ पे नहीं, शूटिंग उधर करता नहीं है। देखने का, चलो आगे चलो तो आगे चलो यहाँ चलो। से चलते हैं भाई लोग। कुछ ऐसी बात ऐसी है कि अनएक्सपेक्टेड जो है ना बारिश, बिन बुलाए मेहमान चालू हो गया। निकले हम घर की शॉपिंग करने के लिए और बारिश शुरू हो गई। लेकिन और जो वैसा धूप और बारिश एक साथ हो रही है, इसका मतलब क्या होता है? हमारे में उधर कुछ कहावत था कि अगर बंगाली में बंगाली में कहावत, अच्छा हिंदी में नहीं है, चलो नहीं बोल सकता मैं, रहने दो। तो आती नहीं है हिंदी में, हिंदी में नहीं है असल में, शायद बंगाली में है सिर्फ वो। तुम लेकिन बंगाली कहाँ से आती है? हम बंगाली हैं भाई। अच्छा, तुम बंगाली हो, मुझे पता हाँ नहीं था, हाँ बताया नहीं यार तुमने कभी। बंगाली नहीं है असल में, पूरा पूरा बंगाली, थोड़ा बहुत हाफ बंगाली हाफ हिंदी, कहाँ से हो? बिहार से है। तो आप लोग ने हमारी बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुन ली हैं, तो कौन सी कहानी? बता दिया ना, हम कोई एक कहावत सुनाने वाले थे लेकिन अच्छा आया नहीं कहावत, सुना नहीं पाए हैं। तो असल में हम लोग शॉपिंग जो है ना हर दिन यहीं से नज़दीक से करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चावल हम लोग घर में खाते हैं वो मिलता नहीं है, तो थोड़ा दूर देसी पैदल। चावल इधर मिलता है, टर्किश चावल जो तेल से बनाना पड़ता है, और बहुत ही ये हाँ, रहता है, अच्छा नहीं लगता खाने में। एक दूसरे से चिपक जाता है। और हम खाते हैं देसी वाला जो अलग अलग रहता है, थोड़ा इस टाइप का, क्या बोलते हैं बासमती टाइप उसको, का हाँ होता है। बासमती टाइप का, तो वो थोड़ा दूर में मिलता है, 15-20 मिनट लगेगा पैदल जाने में, बस भी जाती है तो दो स्टॉप के लिए कौन बस मिस करेगा, हम पैदल ही चले जाएंगे। पैदल ही ज़्यादा अच्छा है, ना बस में कौन चढ़ेगा। यहाँ पे जो है ना मौसम का कोई गारंटी नहीं है। देखते देखते धूप, देखते देखते बर्फ गिरने स्नो, लगती है। कभी कुछ शुरू हो जाती है, कुछ पता नहीं होता है। जैसे हम लोग सोचे थे कि बाहर शायद गर्मी होगी, ज़्यादा ठंड नहीं होगी, क्यों धूप निकली हुई थी थोड़ी, बाहर आके देखे तो बारिश हो रही है। वैसे आज हाँ, हमेशा हम लोग नॉर्मल वैसे ही मोबाइल से ये बनाते हैं ब्लॉग, माइक्रोफोन नहीं होता था, तो आज बात ऐसी है कि हमने माइक्रोफोन ले लिया है। बात कुछ यूँ है कि अजान होने लगी थी तो हमने वीडियो करना बंद कर दिया था। उधर घुमा एक बार पीछे, किधर हाँ क्या हुआ? हुआ ये कि हाँ टर्की की एक खासियत है जो अच्छी भी है और बुरी भी है, दोनों एक साथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको प्लेन सरफेस बहुत कम मिलेगा, हर जगह हाँ पहाड़ी अच्छा, है। मैं भी बोला क्यों घुमाने बोल रहे हो, बहुत गन कर मछली देख रहे हो। तो वही, यहाँ पे चलते चलते बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। अगर आप नीचे आ रहे हो, नीचे आने के टाइम पे तो सही है, आपका सही लगेगा, लेकिन जब फिर वापसी का टाइम होता है ना। नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल कब होती है पता है? नीचे क्यों कर रहे हो? जब हम पानी लेकर जाते हैं ना घर ऊपर, 5 लीटर वाला बोतल जब लेते हैं घर ले जाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो जाते हैं, यानी ठंड में भी पसीना। एक तो रास्ता पहाड़ी, ऊपर से हम रहते हैं 4th फ्लोर पे और लिफ्ट नहीं है, तो उधर से अलग फटती है, इधर अलग फटती है, गिरना जाए देख के। यार तुर्की के हर शहर शायद ऐसा नहीं है, लेकिन खास करके अंकारा मोस्टली शहर। है, सही है, लेकिन क्योंकि आज तक मैं जितने भी सिटी गया हूँ, लगभग 7-8 सिटी घुमा हूँ, कोई भी सिटी प्लेन नहीं था ऐसा, हर सिटी ऐसी पहाड़ी है। लेकिन मैं जैसे जहाँ पे पहले रहता था कोनिया शहर में, तो वो पूरा प्लेन था। जब पहली बार कोनिया से आया तो यहाँ पे देखा वो क्या माहौल है, 2 मिनट चल रहे हो ऊपर चढ़ रहे हो, फिर नीचे आ रहे हो, फिर ऊपर चढ़ रहे हो, ऐसा ही लगा रहता है, तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन हाँ, मुश्किल के साथ साथ खूबसूरती भी आती है। हाँ, पहाड़ी जगह का पता ही होता है आप लोगों को कि कितना खूबसूरत होता है हर चीज़ यहाँ का, तो उस हिसाब से अच्छा है। तो और आप लोग बताओ, आप लोग का शहर कैसा है, रमज़ान कैसे गुजर रही है आप लोग का? ये हमारे रास्ते में आती हुई तीसरी मस्जिद है, इधर की मस्जिद बहुत खूबसूरत होती है, देखने में अच्छा लगता है। ये
घर बनाओ एकदम मोटा जी, इसे देखो। एक बात है कि यहाँ पर फ्लैग को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, टर्किश फ्लैग को जैसे देख सकते हैं, हर हर लाइट का जो ये खंभा होता है उसमें भी लगाते हैं, उधर भी लगाते हैं। तो हम देखते देखते मार्केट आ चुके हैं और यहाँ पे एक ट्रॉली, इसका एक ट्रॉली ले लो, फिर यहाँ पे जाके हम सामान लेंगे। चलो दिखाते हैं आपको, हम आ गए हैं मार्केट। यहाँ पे रमज़ान के लिए देख सकते जैसे खजूर वगैरह क्या क्या बहुत चीज़ें रखी हुई हैं। तक क्या क्या लेना पड़ेगा, क्या क्या लेना पड़ेगा अभी देखता हूँ, क्या क्या लेना पड़ेगा, लिस्ट थोड़ी बनाया ये भी है। चलो तो देखते हैं क्या क्या लेते हैं। हाँ पहले चावल इधर से लेना पड़ेगा, पिछली बार हम यहाँ से चावल लेते हैं बहुत अच्छा था, ये हो गया, ये चावल ले रहे। क्या का कहना है कि हर दिन क्या आएंगे, हर दो दिन में तो तीन प्लास्टिक चावल ले लेते हैं। कितना लेना है देखता हूँ, 10-15 किलो कितना होगा तो ज़्यादा करके ले लेते हैं, क्योंकि हर दिन क्या आएंगे। तो ये अंकल जी चावल को नाप रहे हैं, वजन कर रहे हैं उसका, तो 4-5 किलो चावल हो गया। अभी इधर से लेना है जी, हाँ यहाँ से एप्पल लेंगे, ये वाला उधर वाला ले, यहाँ से ये वाला थोड़ा ज़्यादा लाल लगे। हाँ तो हम ये वाला एप्पल ले लेंगे यहाँ से। तो इश्तियाक का दिल जो है ना बदल गया, बोल रहा है कि वो भी नहीं लेंगे वहाँ से लेंगे। हाँ वैसे ही अच्छा लग रहा है वो ज़्यादा रेड वाला। हाँ उसमें ये वैसे ज़्यादा महंगा नहीं है, पर 19.99 लीरा किलो है। और हाँ पिछले वाला वीडियो में हमने आपको दिखा दिया था कि लीरा का रेट क्या है, शायद उससे भी डाउन हो गया है, आप हो गया, खत्म हो गया, बंदा को भी ख़त्म हो गया, ले लेते हैं। तो इश्तियाक देखते देखते बोला कि यह बैंगन ही ले लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसकी शक्ल वगैरह ले लो इश्तियाक। नहीं इधर देखो, इसका प्राइस देखो 35 का है, 35 कितने होता है उसको 5 से मल्टीपल कर लेना, देख लेना आप लोग। एक गोभी ले लो, दो बैगन ले लो, काफ़ी या लंबा वाला लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा है वो, वो बहुत घटिया है, थोड़ा सही वाला लो। गोभी लेने के बाद उसके बाद बैंगन नहीं लिया वो वाला, क्योंकि कद्दू ले रहे हैं, इधर का कद्दू अलग होता है। हाँ हमारे वहाँ जैसे नहीं है, छोटा छोटा लंबा लंबा होता है बैंगन जैसे। खीरा भी यहाँ का थोड़ा अलग टाइप का होता है। लेमन यहाँ बहुत ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि इंडिया में कुछ दिन जो है ना लेमन बहुत ज़्यादा महंगा था, ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास लेमन है ऑलरेडी। सीम ले ले, हाँ सीम ले लो, सीम उसका ये क्या है प्राइस क्या है लिखा नहीं है, कोई नहीं ले ले लो कुछ नहीं, सीम ले लेते हैं। तो इश्तियाक बोल रहे हैं इसको सीम नहीं बोलते, सैम बोलते हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज में है ना गांव में सीम ही बोलते हैं इसको, सैम भी नहीं, सेम 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 जो भी हो, अब मेरा वाला सही है, इश्तियाक वाला सही है। आप लोग जो है ना कमेंट्स करके बता दो ना कि इसका सही नाम क्या है, वैसे खाने में अच्छा लगता है। बैंगन लोगे क्या, बैंगन ले लेते हैं। हाँ ले लो, नहीं अगर मैं ख़त्म हो गया बैंगन, थोड़ा खीरा भी ले लेते हैं। यहाँ का सिस्टम है कि ऐसे लटका हुआ सब रखा हुआ होता है, आप ले लो हर चीज़, लेने के बाद यहाँ पे जो भाई साहब खड़े हैं उससे जाके वज़न करवा लो इसका, हर चीज़ का वज़न करके उसमें प्राइस भी वो स्टिकर लगा देते हैं, फिर जाके जो काउंटर होता है वहाँ पे बिल पे करना पड़ता है। वैसे सामान तो बहुत ज़्यादा लेना था, घर में ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन है कि घर हमारा दूर है यहाँ से, तो 15-20 मिनट का रास्ता है, फिर पैदल जाना पड़ेगा। बस का कार्ड भी नहीं लेकर आए हैं, तो पैसे से बस तो नहीं चला जाता, पैसा देकर कार्ड लगाना पड़ता है, कार्ड नहीं लाए हैं, तो इतना ही देखना। और अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो तो ले लेंगे। हाँ एक शैम्पू लेना था इसके, घर में शैम्पू ख़त्म हो चुका है, बहुत दिन से शैम्पू नहीं था घर में, हम इतना ज़्यादा सस्ता है ना कि शैम्पू तक नहीं लेने आए बाहर। सब सामान लेने के बाद यहाँ से जैसे यहाँ मिठाई वगैरह लगा होता है, यहाँ ब्रेड वगैरह होता है, यहाँ पे बहुत बहुत किस्म की मिठाई है, देख सकते हैं आप लोग। फिर चलते हैं यहाँ से शैम्पू लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे है वो भी ढूंढना पड़ेगा शायद,
इधर तो नहीं है, यहाँ पे सब वॉश के सामान है, इधर भी नहीं है। तो हमें ढूंढ के हमें मिला कि उस साइड में शैम्पू है, वहाँ से लेंगे। तो उठाते हैं सब, बिल पे करके चलते हैं यहाँ पे। हेड एंड शोल्डर का ही लो, कोलगेट भी लेना पड़ेगा। हाँ वो भी ख़त्म हो गया था, तो ये लेते हैं ना कोलगेट में से। शैम्पू नहीं है इधर, शैम्पू नहीं है। परफ्यूम है? हाँ उधर है, उधर है वहाँ पे। यहाँ यहाँ से उठाओ, फंसता है यहाँ पे स्टेप, वो यूज करते हो, वो ख़राब है बाल के लिए, ये समझ लो। तो ये इस बार शैम्पू को चेंज कर दिया, मैं हेड एंड शोल्डर लगाता हूँ। मैं यही लगाता था हमेशा, यही ले रहा हूँ अभी, तुम्हारी वजह से मेरे को हेड एंड शोल्डर लगाना पड़ रहा था, लेकिन वो अच्छा था। हमने ले लिया बहुत ज़्यादा सामान, मैंने दो प्लास्टिक, इश्तियाक में दो प्लास्टिक, ये हो गया हमारा टोटल सामान। और ये सामान लेके हम 20 मिनट चलेंगे पैदल। रोज़ा सोच रहे हैं कि अभी मैं इफ्तार इधर ही करूं या घर पे जाके करूं। मेरा ख्याल है रुकते हैं तो ही आएगा फिर उसको साथ। कितने टाइम हो रहे हैं? 5 बजे अभी। हाँ फिर बनाना भी पड़ेगा खाना। 5 बजे अभी, 2 घंटे, 2.25 घंटे इफ्तार का, जाके बनाना भी पड़ेगा, तो घर तो जाना ही पड़ेगा। तो ईद का इंतज़ार करने लगोगे, वो कब तक आएगा? नहीं, इंतज़ार नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा सामान है। तो ठीक है फिर हम भी चलते हैं और घर पे जाके मिलते हैं, घर पे मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी है, हम एक हाथ में सामान होल्ड नहीं कर सकते, कैमरा भी पकड़ना पड़ता है। तो चलते चलते आ रहे थे रास्ते में, तो पता चला हमने मसाला नहीं लिया, सामान ऐसे रख दिया और इश्तियाक उस मार्केट में भेज दिया, जाओ मसाला ले कर आओ। तो जाएगा अभी मसाला ले कर आएगा, फिर यहाँ से हम घर की ओर रवाना हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने सोचा 3-4 दिन से तो सब्ज़ी लगातार खा ही रहे, तो कुछ नॉनवेज हो जाए, तो क्या खाए नॉन वेज? मछली देखा आगे बहुत ज़्यादा गंद कर रहा था, सड़ा हुआ था, क्योंकि मछली मंडी है नहीं यहाँ पे, थोड़ा दूर में है। तो सोचा यहाँ पे जो बीम है वहाँ पे कुछ ले लेते हैं। क्या लेंगे नॉनवेज में? ये मर गया, इसको बोलने का कोई ये नहीं है, अभी ताकत नहीं है। देख रहे कितना ज़्यादा सामान है यार, बहुत ज़्यादा है। चलो तो जाते हैं अभी, नॉनवेज में क्या लेंगे मुझे भी पता नहीं है, इसको भी पता नहीं है, तो देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। ओए सारा सामान वामान लेके मोहल्ले पे आ गए, बच गया। और दूसरे नेक्स्ट हमारा घर है यहाँ तक, तो आ गए पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते, गिर मत जाना इस। तो आज का वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं, यहीं से समाप्त करते हैं। आ गए हम अपना घर, अब यहाँ से हम जाएंगे ऊपर घर। तो दोबारा आप लोग को रमज़ान मुबारक, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।